इस बार का आईपीएल भी क्या रोमांचक गेम है दिखा रहा है। मैच नंबर 68 हो चुका है, लेकिन सारे मैच सारे टीम अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन क्वालिफाई करेगा, लेकिन आज ये तय हो गया कि तीन टीम क्वालिफाई में पहुंच गई। लेटेस्ट अपडेट ये है कि तीन टीम क्वालिफाई में पहुंच गई। गुजरात टाइटन जो पहले जगह बना ली थी, आज सीएसके भी पहुंच गई, अपने क्वालिफाई कर लिया। और उसके साथ साथ आज जो है एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट ने भी अपना जगह बना लिया प्लेऑफ में। अब देखना यह पड़ेगा कि चौथे स्थान में कौन पहुंचता है। तीन टीमों में जो है यहां पे लड़ाई होने वाली है, पहला आरसीबी और फिर एमआई। ये दोनों अगर जीतती है और तो रन रेट आरसीबी का ज्यादा अच्छा है तो आरसीबी पहुंच जाएगी, या फिर आरसीबी हार जाती है एमआई जीतती तो एमआई पहुंच जाएगी, या फिर दोनों अगर टीम हारेगी आरसीबी या फिर एमआई तो वो राजस्थान रॉयल्स का भी चांसेस बनता है। आज दो मैच था, जो मैच नंबर 67 था वो सीएसके और दिल्ली के बीच में था, तो सीएसके ने 77 रन से जीत गया, तो काफी अच्छे से वो जीत गया। लेकिन जो मैच 68 है ये बहुत ही रोमांचक रहा, अंत तक में ये मैच इतना रोमांचक रहा कि क्या ही बताया। वो खिलाड़ी रिंकू सिंह, क्या तारीफ करना चाहिए उस खिलाड़ी की, भाई अकेले खिलाड़ी ने मैच को बांध के रखा था, लास्ट मोमेंट तक जिता दिया था। क्या फिर सिर्फ एक रन से केकेआर हारा, केकेआर जीतते जीतते मैच हार गई। ये मैच क्या लाजवाब मैच था। लखनऊ पहले बैटिंग करके जो है निकोलस पुरन ने सबसे अच्छे रन बनाए 30 बॉल में 58 रन, फिर क्विंटन डिकॉक बनाए 27 बॉल में 28 रन, और फिर 20 बॉल में 26 रन बनाए मानकन ने। तो ये थी लखनऊ की परफॉर्मेंस। लेकिन क्या जो इस मैच में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था वो सिर्फ रिंकू का था, वो क्या लाजवाब था। लास्ट ओवर में, लास्ट दो ओवर में चाहिए था 41 रन, और जो 19वां ओवर जो नवीन उल हक ने डाला उसमें 20 रन मारे, क्या लाजवाब पारी थी। और उसी में जो 20वां ओवर जो था वो यश ठाकुर आए थे और उसको भी नहीं छोड़ा, इतने अच्छी बॉलिंग कर रहे थे यश ठाकुर और नवीन हक, लेकिन तब भी इन लोगों को खदेड़ दिया। लास्ट में सिर्फ केकेआर एक रन से हारी, तो मैच देख के बहुत मजा आया। इस बार के आईपीएल में अब सिर्फ दो मैच बचे हैं, जो 69 मैच है वो एमआई और एसआरएच के बीच में होगा, और जो 70th मैच है वो आरसीबी और गुजरात टाइटन के बीच होगा। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जो है एमआई अगर हार जाती है तो आरसीबी पहुंच जाएगी, अगर आरसीबी बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं भी हारती है, अगर आरसीबी जीत जाती तो वैसे भी तो पहुंच जाएगी। और जो यहां पे जो है एमआई और एसआरएच के बीच में जो मैच है वो तो लगता है कि एक तरफा जाने वाले है, क्योंकि एमआई जो है ऐसे सिचुएशन में हमेशा जीतती है। लेकिन जो आरसीबी और गुजरात के बीच में जो मैच होने वाला है जो है वो काफी टक्कर वाला होने वाला है, क्योंकि गुजरात काफी स्ट्रॉन्ग टीम है और प्लेऑफ में वो एक नंबर पे है, सबसे पहला उसने प्लेऑफ करी है, और आरसीबी चाहेंगे कि आरसीबी भी प्लेऑफ में पहुंचे। और वहीं पे जो है मैच होगा, जो पहला क्वालिफायर होगा सीएसके और गुजरात टाइटन के बीच में, दूसरा जो मैच होगा एलिमिनेटर मैच होगा वो होगा जो एलएसजी पहुंच गया है, जो थर्ड और फोर्थ नंबर की टीम होगा, तो थर्ड में है एलएसजी पहुंच गया एंड फोर्थ में जो टीम पहुंचेगी उसके बीच में होगा। इस आईपीएल में जो है हर एक टीम को 14 मैच खेलने का मौका मिला, और वहीं पे जो है जो टारगेट चूज कर लिया जाता है कि जिसने भी 18 पॉइंट पहले लेके आ जाएंगे तो क्वालिफाई हो जाता है। तो अभी तक 70 मैच का वो जो है टोटल 70 मैच होगा, फिर उसके बाद जो है एक प्लेऑफ होगा, फिर एक एलिमिनेटर होगा, फिर एक प्लेऑफ होगा, देन फाइनल होगा, तो टोटल हो जाएंगे इस बार के आईपीएल में टोटल 74 मैच होगा। जो पॉइंट टेबल को अच्छे से देख लेते हैं कि गुजरात पहले प्लेऑफ कर ली है, वो फर्स्ट पोजीशन में है, आज ही जो है सीएसके प्लेऑफ पे पहुंचा, सेकंड पोजीशन में है वो, और एलएसजी है वो थर्ड पोजीशन में प्लेऑफ कर लिया, और चौथे प्लेस में है आरसीबी है, फिफ्थ में अभी है राजस्थान रॉयल्स है, और एमआई अभी सिक्स्थ में है, क्योंकि इन लोगों के जो है आरसीबी और एमआई के एक एक मैच बचे हैं। और जो है 10वें जो नंबर पे है एसआरएच है, वहीं पे 9वें नंबर पे दिल्ली है। तो देखते हैं कल का मुकाबला कैसा रहता है।